सोनभद्र के दुदुई कोतवाली इलाके में फर्जी नक्सली बनकर धमकाने और 5 करोड़ रुपए मांगने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल आरोपियों ने सुंदरी गांव के प्रधान को फोन कर धमकी दी। इतना ही नहीं, लाल स्याही से पत्र लिखकर कनहर परियोजना को रोकने की बात कही। इतना ही नहीं, इस परियोजना के विस्थापितों के 5 करोड़ रुपए भी मांगे। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपियों को गिरफ्तार किया। 7 अप्रैल को एक पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन आई कि सुंदरी गांव के प्रधान श्री फणेश्वर जायसवाल, इनके घर पर एक चिट्ठी लाल स्याही से लिखी हुई उनको मिली, जिसके तहत ये उनको धमकी दी गई थी कि कई लोगों का मुआवजा उनकी वजह से नहीं मिला है और अगर ये समय से नहीं मिलता है तो काम रोक दिया जाएगा और उनके परिवार के सदस्यों के साथ कोई अनहोनी घटना भी हो सकती है, इस तरीके का धमकी वाला पत्र मिला था। इसके बाद सुंदरी गांव ग्राम के प्रधान को एक टेलीफोन आया, उसमें भी इसी तरीके की लगभग बात की गई। पहले पूछताछ की गई काम के स्टेटस के बारे में, फिर फोन आया और उसमें इसी पत्र की बात कुछ बातों को दोहराया गया। पुलिस को जब इन्फॉर्मेशन मिली तो प्रथम दृष्टया एक FIR दर्ज की गई धमकाने की, और जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने किया तो पता ये चला कि गांव के ही कुछ लोगों ने यह षड्यंत्र रचा था। उन लोगों के 3rd जनरेशन में, जैसे कनहर परियोजना में 3 जनरेशन तक मुआवजे की वहां बात की गई थी, इनको लगता था कि इनके कुछ सदस्यों का नाम छूट गया है और इसके लिए ये प्रधान पर दबाव इसलिए डालना चाहते थे कि उसकी शिकायत पर जिला प्रशासन और परियोजना के जो भी लोग हैं वो इसको इंक्लूड कर लेंगे और इस दबाव में आ जाएंगे। आरोपी भी कनहर परियोजना के ही विस्थापित हैं और मुआवजे से संतुष्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने इससे नाराज होकर सारी घटना को अंजाम दिया। सोनभद्र से संतोष जायसवाल की रिपोर्ट।